हिंदी दिवस के उपलक्ष्य पर आप सभी के समक्ष हिंदी भाषा हमारी भारतीय संस्कृति के तत्वों से परिचित कराते हुए आपके समक्ष एक कविता प्रस्तुत करें। मेरी कविता कुछ इस प्रकार है। राष्ट्र प्रेम की जन जन के अंतर में ज्योति जगाएंगे, समस्त विश्व में हिंदी भाषा को सम्मान दिलाएंगे। लेते हैं संकल्प स्वदेशी भाषा में बतियाएंगे, समस्त विश्व में हिंदी भाषा को सम्मान दिलाएंगे। हम अनजाने पराधीनता को वापस है ओढ़ गए, भूल स्वदेशी प्रेम विदेशी पन से नाता जोड़ गए। पूरब वासी होकर पश्चिम के पथ पथ पर मोड़ गए, चले गए अंग्रेज मगर अंग्रेजी पीछे छोड़ गए। चले गए अंग्रेज मगर अंग्रेजी पीछे छोड़ गए। शपथ हमें अब अंग्रेजी का गुणगान नहीं अब गाएंगे, समस्त विश्व में हिंदी भाषा को सम्मान दिलाएंगे। संविधान स्वाधीन मनुष्य आजादी अब खतरे में है, संस्कृति और सभ्यता की संभाषा भी खतरे में है। हिंदू परंपराए हिंदू परिपाटी खतरे में है, बापू कर भाषा का कर्ज चुकाएंगे, समस्त विश्व में हिंदी भाषा को सम्मान दिलाएंगे। सारे जग की भाषाओं में सबसे न्यारी हिंदी है, चंदन वन सुरभि धूप वन फूलों की क्यारी हिंदी है। वंदन पूजन महिमा मंडन की अधिकारी हिंदी है, पर अपने घर हुई पराई अपनी गौरव को गाकर फिर इसका मान बढ़ाएंगे, समस्त विश्व में हिंदी भाषा को सम्मान दिलाएंगे। भाग्यहीन है वो जिसको अपनी भाषा से प्रेम नहीं, भवन धराशाही हो जाता वो जिसका आधार नहीं। जिसके मन में हिंदू और हिंदी भाषा का सत्कार नहीं, उसको हिंदुस्तान में रहने का हो फिर अधिकार नहीं। उसको हिंदुस्तान में रहने का हो फिर अधिकार नहीं। भटकी युवा पीढ़ी को हम फिर सन्मार्ग में लाएंगे, समस्त विश्व में हिंदी भाषा को सम्मान दिलाएंगे। राष्ट्र प्रेम की जन जन के अंतर में ज्योति जगाएंगे, समस्त विश्व में हिंदी भाषा को सम्मान दिलाएंगे। अंत में एक बात और बोलना चाहूंगी, हमें समय के साथ परिवर्तन जरूरी है। समय के साथ परिवर्तन का अर्थ यह है कि अब विश्व अंग्रेजी के पीछे जोर दे रहा है, अंग्रेजी भाषा के पीछे। तो हमें अंग्रेजी बोलना एवं समझना जरूरी है, परंतु जब हम अपनी परंपराओं अपनी संस्कृति अपनी विरासत पर गर्व के साथ अंग्रेजी भाषा को सीखेंगे समझेंगे तो वो ज्यादा सार्थक होगा। धन्यवाद।